आपको बताना चाहूँगा कि रिसेंटली मध्य प्रदेश में विधानसभा के इलेक्शन है, लोग अपना प्रतिनिधि चुनने वाले हैं 17 नवंबर को, और 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों का परिणाम जो है वो आपके सामने होगा। उससे पहले कितना महत्वपूर्ण है लोकतंत्र में पार्टिसिपेशन, लोगों की भागीदारी, साथ में अधिकार, गरिमा और विकास को लेकर क्या सोचते हैं, इसी को लेकर सीधा अब हम जुड़ते हैं इन बच्चों से। युवा हैं, युवाओं की भागीदारी लोकतंत्र में महत्वपूर्ण मानी जाती है, आपके अनुसार आप किस तरह का पार्टिसिपेशन चाहते हैं युवाओं के लिए, खासकर से लोकतंत्र में? जो सबका विकास चाहे वो ऐसा होना चाहिए, नहीं था अपना ही विकास नहीं, कई जातिवाद पे भी होते हैं, धार्मिक भी नहीं, सभी प्रकार के होने चाहिए। मतलब विकास प्राथमिकता होना चाहिए, इसके अलावा एजुकेशन क्षेत्र को लेकर या फिर सोशल सिक्योरिटीज को लेकर, एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर, स्किल डेवलपमेंट को लेकर आपकी क्या सोच है, किस तरह का काम होना चाहिए? शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो अभी भी उतना विकास नहीं हुआ लांजी क्षेत्र में जितना होना चाहिए, बाकी जगहों की तरह नहीं है, कमी है यहाँ पे, शिक्षा की व्यवस्था नहीं है अच्छे से। अभी रिसेंटली चुनाव होने वाले हैं, किस तरह का प्रतिनिधि आप देखना चाहते हैं आपके विधानसभा में? जो बेरोजगारों को रोजगार दे सके, जिससे पढ़ने वाले छात्रों का भी विकास हो सके। आप बताएंगे आपकी क्या सोच है, बहुत जल्द चुनाव है। सर हमारी भी वही सोच है, जो यानी कि पीड़ित लोग या फिर जिनकी यानी हेल्प कर सकते हैं ऐसे लोगों को चुनना चाहिए, जो हमारी मदद कर सके, हेल्प कर सके और हमारा विकास हो सके आगे। पढ़ाई लिखाई में भी बहुत लोग यानी अशिक्षित रह जाते हैं, आने जाने में भी असुविधा होती है, उन्हें सब सुविधा मिल सके, यही। गर्ल्स होने के नाते आपके क्या विचार है अभी जो इलेक्शन है रिसेंटली, खासकर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर? सर जैसे हम घर से निकलते हैं ना, थोड़ा सा तो डर लगा ही रहता है कि हम रास्ते से जा रहे हैं, अगर से कोई लड़के ने हमको कुछ बोल दिया तो एक तरफ से ऐसा डर भी रहता है कि अगर से कोई कुछ हमको बोले तो हम कैसा। और अभी के जो हर किसी के माँ बाप तो एक जैसे नहीं होते, लेकिन कोई बोलता है ना कि अकेले जाओ। सर अभी भी नहीं निकला है आपके मन से? नहीं सर अभी भी नहीं निकला है, अभी भी कहीं ना कहीं हमको ऐसा लग रहा है कि हम सुरक्षित नहीं है। जैसा कि आप इन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं आज भी गर्ल्स होने की वजह से इनके मन में घर से निकलने के बाद में डर की संभावना रहती है। आपको क्या लगता है, कॉलेज के स्टूडेंट है जो आप प्रतिनिधि चुनते हैं, उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं सामाजिक सुरक्षा के दायित्व के मद्देनज़र, किस तरह का उनको इसमें कुछ डेवलपमेंट करना चाहिए जिससे कि ये डर आप लोगों का निकल जाना चाहिए? सर देखो मतलब वो जो हम लोग सरकार चुनते हैं तो जनता के ऊपर रहता है ना किसको चुनना है किसको नहीं। अगर जनता मतलब अच्छे प्रतिनिधि चुनेंगे तो अच्छा मतलब जो हमारे विकास कर सके। और जैसे हम बेटियां घर से निकलते हैं ना तो डर तो बना ही रहता है, बट वो समाज वाले के ऊपर रहता है, आने जाने वाले के ऊपर रहता है, हमारे ऊपर रहता है सोच, हमारे ऊपर सोच, जैसे कि हम दूसरों को किस नज़र से देख रहे हैं। और जैसे दुनिया नज़रिया बदलेगी तो हम मतलब हम सुरक्षित रहेंगे ना, हमारे आने जाने वाले। जैसे हम तो 12 किलोमीटर 13 किलोमीटर दूर से आते हैं कॉलेज, बट हमको ऐसा नहीं रहता कि कुल मिलाकर आपका ये मानना है कि नज़र बदल जाए तो नज़ारे बदल जाएंगे, ठीक है। कि अभी वर्तमान में जो सरकार है वो दावा कर रही है कि हम वुमेंस एम्पावरमेंट के लिए काफ़ी काम कर रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए काफ़ी काम कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये काम हुआ है? सर नहीं हुआ है। क्यों ऐसा लग रहा है आपको, फिर सरकार के दावे हवा हवाई है क्या? मतलब कि जब सर सरकार वैकेंसियाँ निकालती है उसके एग्जाम्स भी होते हैं, लेकिन एग्जाम्स के बाद में रिजल्ट ही नहीं पता चलता कि क्या हुआ है और क्या नहीं। और रिजल्ट भी आया तो मतलब 50% वालों को भी लेना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है। एम्प्लॉयमेंट को लेकर आपका क्या नज़रिया है, रोजगार को लेकर? सर रोजगार मतलब सभी को मिलना चाहिए ना, तो वो नहीं मिल पा रहा है। अच्छा बॉयस में आप में से और आ जाइए, आप बताइए क्या नाम आपका? वीरेंद्र भीसेन। हमने वुमेंस एम्पावरमेंट की तो बात की, एम्प्लॉयमेंट बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में ऐसा माना जा रहा है और जो चर्चाएं चल रही, आपको लगता है कि रोजगार के क्षेत्र में काम किए हैं सरकार ने? नहीं, अगर वो रोजगार के क्षेत्र में काम करती अच्छी बात है। आजकल रोजगार के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हो गया, तो इसके अंतर्गत बहुत सारी स्किल सिखाई जा रही है सभी छात्रों को, या यहाँ तक जो छात्र पढ़ भी नहीं रहे हैं तो उनको भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि उनको पहले काम सिखाया जाए और उसके बाद उसको आगे चल के उस लायक बनाया जाए कि उस काम में वो उस महारत हासिल कर लें और उसी के साथ उनको रोज़गार मिल जाए। तो सबसे पहले तो इन लोगों को अपने रोज़गार के क्षेत्र को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, क्योंकि इनको उस काम को करना ही नहीं आएगा तो रोज़गार के क्षेत्र कितने भी ज़्यादा क्यों ना हो,
कोई भी इंसान बोलेगा कि रोज़गार नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि रोज़गार के क्षेत्र में गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है, रोज़गार के क्षेत्र में भी गवर्नमेंट काम कर रही है, लेकिन यहाँ पर जो छात्र हैं उसको उस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। आगे नहीं बढ़ पा रहे जी, मतलब आगे कहीं ना कहीं कमी आप लोग युवाओं की भी मान रहे हैं। जी जी जी, युवाओं की भी कमी है क्योंकि उनको प्लेटफॉर्म मिल रहा है, प्लेटफॉर्म मिलने के बावजूद उस लायक का उस प्लेटफॉर्म का सही उपयोग नहीं कर रहे। आजकल के युवाओं को देखा जा रहा है कि अधिकतर मोबाइल के दुनिया में खोई हुई है, तो ये चीज़ एक तरह से ठीक है कि एक टाइम टू टाइम मोबाइल का यूज़ किया जाए, लेकिन मोबाइल का दुरुपयोग ना करें। अधिकांश युवा और युवतियाँ जो है मोबाइल का दुरुपयोग कर रहे हैं और इसी के चलते उनकी लाइफ में बहुत सारी समस्याएं भी आ रही हैं। और उसका इसी का सदुपयोग भी तो हो सकता है, उसमें बहुत सारा नॉलेज भी तो है। जी जी, उसका सदुपयोग हो सकता है, लेकिन यही तो चीज़ है कि ये सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। अभी की जैसे जनरेशन दुरुपयोग ज़्यादा हो रहा है। जी, दुरुपयोग ज़्यादा हो रहा है और ये 100% हम अपने कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि दुरुपयोग हो रहा है, अधिकतर मोबाइल का दुरुपयोग कर रहा है। अगर आप मोबाइल का सदुपयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको रोजगार के क्षेत्र में या फिर सेल्फ डिपेंड तो आप बिल्कुल बन ही सकते हैं। इतनी सारी स्किल और इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि अगर आप उसका सदुपयोग करते हैं तो वाकई में आप लोग कभी बेरोजगार नहीं रहेंगे। भारत में हम देख रहे हैं कि यंग एज पॉपुलेशन काफ़ी तादाद में है। भाई ने स्किल डेवलपमेंट की बात की है, लांजी में मुझे बताइए खास करके इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या स्किल डेवलपमेंट को लेकर यहाँ पर कुछ बड़े काम हुए हैं, उसका बेनिफिट मिला है युवाओं को, कहीं से आपको समझ में आता है? मैं तो अभी स्किल के बारे में ऐसा पता नहीं, पर स्किल के लिए अलग से एक क्लास होनी चाहिए, सिखाना चाहिए बचपन से। तो हमारे इसमें तो कुछ होता ही नहीं कि आ गए, नौवीं पढ़ लिए, दसवीं पढ़ लिए, आ जाओ कॉलेज, बीए कर लो। बीए करके क्या कर लेंगे, राजनीति में थोड़ी ना चल जाएंगे, सभी चल जाएंगे क्या? नहीं नहीं, हाँ तो हमें कुछ सिखाएंगे तो हम, मतलब बचपन से अगर हमें कुछ स्किल्स के बारे में सिखाएंगे तो अच्छा, हम आगे मुझे बताइए राजनीति की आपने बात की, राजनीति में हर कोई नहीं जा सकता, लेकिन क्या युवाओं को पॉलिटिक्स में अपना करियर नहीं बनाना चाहिए? बनाना चाहिए, पर हर युवा नहीं बना सकता ना, उसके लिए क्या ऐसी कमी रह जाती है, आपको क्या लगता है? देखो, पहले बात तो फैमिली सपोर्ट नहीं मिलती, फ्रेंड्स भी सपोर्ट नहीं करते। अब इकट्ठे आदमी जा भी नहीं सकता पार्टी में, पार्टी में जाओगे तो आपको कुदा देंगे, भगा देंगे। अच्छा, राजनीति के प्रति ये जो नज़रिया बदला लोगों का, युवाओं का खास कर का, कि राजनीति अब बहुत ज़्यादा गलत मतलब वे में गई है, आपको क्या लगता है वाकई में क्या राजनीति बहुत ज़्यादा गलत हो गई है, इसका कोई औचित्य नहीं रह गया है? नहीं रह गया, गलत में नहीं गई है, लेकिन आजकल राजनीति का भी दुरुपयोग टाइप का हो रहा है। जिसकी सत्ता वही सरकार है, वो अपने हिसाब से सरकार चला रही है, जनता के द्वारा भी उनका भी सुनाई होना चाहिए, ऐसा है। और आजकल तो आप लोग कॉलेज के युवा है, आप लोग क्या सजेस्ट करना चाहेंगे प्रतिनिधियों को जो देख रहे हैं सुन रहे हैं? पहली बात तो सुनिए, बोलिए कि शराब पीकर किसी को वोट नहीं देना चाहिए। अगर आप शराब पीकर वोट दोगे, मतलब वो वोट खरीद रहे हैं तो कुछ भी कर सकते हैं 5 साल तक के, वोट आपका अधिकार है। हाँ, वो हमारा अधिकार है, हम बेचेंगे तो हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं, हम नेता को कुछ नहीं बोल सकते। अगर हम अपने वोट को अपने हिसाब से देंगे तो हम नेता को बोल सकते हैं। ये चीज़ हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझा सकते हैं कि जैसे क्या होता है कि तंबाकू के सेवन से, तंबाकू हानिकारक है, हर कोई जानता है हानिकारक है, बिल्कुल, लेकिन कोई बेचना बंद करेगा क्या? नहीं बेचना बंद करेगा। अगर इंसान खाना बंद कर दे तो अच्छी अच्छी कंपनियां बंद हो जाएगी, खुद से पहल करना पड़ेगा। इसीलिए यही चीज़ है कि आप अगर से ड्रिंक करते हैं तो उसको करना बंद कर दे, आगे वाला खरीदने की औकात ही नहीं रहेगा। तो ये चीज़ें, और एक चीज़ वैसा ही आप वोटों का महत्व समझते हैं, वोट आप बेचना बंद कर देंगे तो लोग खरीदना बंद कर देंगे। वैसे ही पॉलिटिशियन में किसी में दम नहीं कि आपका वोट खरीद सके। युवाओं से एक अपील है कि जैसे वो अपना वोट देते हैं तो याद रखिए कि आपका एक वोट 5 साल तक लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर आप आज वोट दे रहे हैं तो ऐसे प्रतिनिधि चुनिए जो 5 साल तक आपके लिए सारे, मतलब देश के लिए अच्छा विकास करे, और आप लोगों को ऐसा प्रतीत ना हो कि आपने वोट दिए तो वो बिल्कुल बेकार गया। आप ऐसे प्रतिनिधि को वोट दें कि आपको भी लगे कि आपने जिसको चुना है वो वाकई में बहुत अच्छा है और आपका विकास कर रहे हैं। तो सोच समझ कर मतदान करें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें, ये मैसेज लांजी के इस कॉलेज प्रांगण से निकला है। अच्छा, 18 साल की एज वो माना जाता है कि आपको अपने फैसला खुद लेना पड़ता है। जी, आप फैसले खुद से लेते हैं क्या, परिवार के अनुसार चलते हैं? जी नहीं, परिवार के अनुसार नहीं चलेंगे, हमारा जो अधिकार है 18 साल के बाद ही होता है और हम ले सकते हैं। जहाँ जरूरी हो वहीं परिवार के फैसलों पर आप मान्य होते हैं। जी, खासकर वोटिंग राइट्स को लेकर आपका क्या विचार है, इसमें परिवार का हस्तक्षेप तो नहीं होता है? नहीं जी, नहीं, हमारा खुद का रहेगा। खुद का रहेगा, तो खुद का विचार क्या है आपका? सर, जो हमारे लिए कुछ कर सके, हमारे भविष्य के लिए कर सके, हम उन्हीं को वोट देंगे। करते ही क्या नहीं अभी जो है वो? सर, जहाँ तक हमको पता है कि चुनाव चालू होता है तब बोल देते हैं, फिर जब चुनाव जीत जाते हैं उसके बाद सब भूल जाते हैं। ये बातें मैं अक्सर सुनता हूँ कि जब चुनाव का समय आता है नज़दीक
तब खासकर कई प्रकार की घोषणाएं होती है, वैकेंसीज वगैरह निकलती है, सारी चीज़ें, लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाता है उसके बाद में ये चीज़ें साइलेंट हो जाती, क्यों, इसके पीछे की वजह क्या मानते हैं आप, इसके इस पर आपके क्या विचार हैं? सर देखिए, अभी तो मामा जी की सरकार है, मामा जी ने जितनी योजनाएं निकाली हैं वो जैसे अभी चुनाव आ रहा था उसी के लिए अपने योजनाएं निकाली है, पता नहीं क्या क्या योजनाएं निकाली, तो अभी नए बहुत सारी योजनाएं, तो लाडली बहना आपको पता ही होगा, लाडली बहना की योजना तो लाभ ही मिल रहा है, सभी को मिल रहा है, हमारे मम्मियों को, सभी को, बाकियों को भी मिल रहा है लाडली बहना की योजना। बट वो जो अभी निकाले थे सीखो कमाओ योजना, जब बच्चे सीखेंगे ही नहीं तो कमाएंगे कैसे, बताओ आप। चुनाव के पहले सिखाने की कोशिश की जा रही है, कोशिश कर, अगर मतलब जो सीखो कमाओ योजना निकाले हैं उसमें तो आपको लगता है कि ये जो सीखो कमाओ योजना चुनाव के पहले शिवराज जी ने लाए थे, इसका फायदा मिला है युवाओं को? नहीं, मैं तो मामा जी से प्रश्न करूंगी कि किसको मतलब किसको लाभ मिला है बताएं मामा जी, बट हमें तो लाभ नहीं मिला है, मेरे भाई को मतलब वो नाम आया था बालाघाट में ही, वो तो स्टेनोग्राफर वाला स्टूडेंट है मेरा भाई, वो तो गए था तो उनको बोले हैं कि भैया तेरे को तो कुछ नहीं आता तू क्या करेगा, भैया जब सीखो कमाओ योजना निकाले हैं तो सीखेंगे नहीं तो सीख कमाएंगे कैसे हम लोग, नाम ही अगर सीखो कमाओ है तो पहले सिखाना पड़ेगा, उसके बाद में ही कमाई का जरिया ढूंढना पड़ेगा। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल सरकार से पूछ रहे स्टूडेंट्स, सरकार से आपका क्या सवाल है, रिसेंटली जो सरकार चल रही है? दीदी बोल रही थी कि पहले वो लोग वादा करते हैं, ये करते वो करते, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो बड़ी बड़ी बातें इसलिए करते हैं क्योंकि बड़ी बड़ी बातें तो कर लिए, अब लोगों का वोट चाहिए, ऐसा वोट चाहिए, लेकिन जनता लोग जाते नहीं ना, अभी पैर पड़ेंगे नेता, बाद में नेता का पैर पड़ेंगे जनता, ऐसा ही तो हो रहा है। तो इनको जाके बोलना चाहिए, अपना जो भी प्रॉब्लम है बताना चाहिए, तब तो सॉल्यूशन मिलेगा। सोशल मीडिया पर कुछ देखते हैं आप? मतलब सोशल मीडिया देखते हैं क्या? सोशल मीडिया का यूज करते होंगे ना? हाँ हाँ, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब वगैरह है, तो मीम्स देखते हैं आप? मीम्स सब देखो। अच्छा हाँ, अभी कौन सा मीम्स पॉपुलर है वो ऐसे पॉलिटिक्स का? पॉलिटिक्स का अभी ये पता नहीं, पर मैं बताना चाहूं, जी का कोई मीम्स बनता है क्या? पता नहीं, नहीं सुनने में आया था कि यहाँ पे एक डबल मनी का क्राइसिस हुआ, तब बड़े मीम्स चले यहाँ पर, लांजी क्योटो बन रहा है, ऐसा कुछ, तो कुछ तरक्की में था लांजी, क्या लांजी को डुबा दिया गया? बहुत तरक्की में था, अब डुबा दिया गया। तो इसके पीछे किसको दोष देना चाहेंगे आप? इसके पीछे जनता की भी गलती है और सरकार की भी गलती है। सरकार की गलती कैसी है, जनता की गलती कैसी है? देखो अब ये मैं समझना चाहिए, एक्सप्लेन कीजिए थोड़ा। देखो अब उन्होंने हिरासत में लिया था जो भी डबल किए थे उनको, तो उनसे पैसा निकालना था, और जो हो सकता था उतना राशि देना चाहिए था, ऐसा नहीं कि 1 करोड़ है तो 1 ही करोड़ देना चाहिए, जितना हो सकता है सबको देना चाहिए था, किसी एक को भी नहीं देना चाहिए था ऐसा, तो सरकार तो उनको छोड़ दी, अब कहाँ ढूंढेंगे उनको? ये तो सरकार का दोष ढूंढ लिया आपने। हाँ। लोगों का दोष, लोगों को लालच थी, लोग गए डबल करवाने। आपको क्या लगता है इसमें किसकी जिम्मेदारी तय होना चाहिए? लापरवाही भी हमारी है सर। अच्छा, आप लोग स्वीकार कर रहे हैं कि लोगों की गलती की वजह से कांड हुआ है यहाँ पर? सरकार की भी ध्यान देना था। अच्छा, सरकार की गलती, डूब रहे हैं तब आके ध्यान दे रहे हैं, पहले ही ध्यान देना था। तो सरकार में तो बहुत सारी चीज़ें होती है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, पुलिस प्रशासन होता है, इनकी लापरवाही भी आप कह सकते हैं? हाँ, पहले ही ध्यान देना था। जब चीज़ इल्लीगल चल रही थी तब सरकार और शासन प्रशासन के लोग क्या कर रहे थे, आपका ये सवाल है जी, तो उनसे क्या सवाल करेंगे आप? उनसे ही कि पहले करना था, और अब जब आपने ध्यान दिया तो जो था वो सबको दिलाना था, पैसे दिलाना था, आप गिरफ्तार कर लिए, आप छोड़ रहे हो, आप उनको और सेवा दे रहे हो, पर ये नहीं सोच रहे हो कि गरीबों का क्या हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ इसमें ये भी समझ में आती है कि लोग भी कहीं ना कहीं लालच में इस तरह की इल्लीगल स्कीम, पूंजी स्कीम्स में अपना पैसा लगा देते हैं। लोगों के लिए क्या मैसेज है आपका, आप बोलिए। जिस तरह का एक क्राइसिस निर्माण हुआ, आप इधर देखिए ना, कैमरे में पीछे मत देखिए, इधर कैमरे में देखिए, जिस तरह का एक क्राइसिस निर्माण हुआ जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं डबल मनी का, ये जो पोंजी स्कीम्स थी या जो इल्लीगल एक्टिविटीज़ चल रही थी मनी को लेकर खास करके, आपको क्या लगता है? लोग तो दोषपूर्ण है ही, शासन को भी दोष दे रहे हैं आप लोग, तो लोगों को आपका मैसेज क्या रहेगा और सरकार से आपका सवाल क्या है सीधा इस पर? सर जी, इंसान को तो कभी लालच नहीं करना चाहिए, और पर इंसान का तो स्वभाव भी है लालच। और सरकार से सवाल आपका क्या होगा इस मामले पर खासकर, क्योंकि ये बड़ा इशू है, ऐसा नहीं कि लांजी की इकोनॉमी डाउनफॉल में गई है, क्यों? आप लोग भाई में से और कोई बोलना चाहेंगे? मुझे एक सवाल इसमें चाहिए, ये बड़ा इशू है डबल मनी वाला, इस पर चर्चा निकली है तो मैं आगे बढ़ा रहा हूँ इस पर।
लांजी की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डाउनफॉल में गई, क्राइसिस निर्माण हुआ, व्यापारिक प्रतिष्ठान कहीं ना कहीं उनका कारोबार जो था वो ठप हुआ। ऐसी परिस्थितियों में सरकार से आपका क्या सवाल रहेगा जिस प्रकार की ये यहाँ पे एक्टिविटीज़ चल रही थी, इलीगल एक्टिविटीज़ पूंजी स्कीम वाली? जब ये एक्टिविटीज़ चल रही थी, जब इतने वर्षों से चल रही है, तो वर्तमान जो है सरकार उसको पहले ध्यान देना था, जनता को बताना था। राजा का काम होता है कि जनता को बताए। बिल्कुल, राजा बोले तो जो विधायक हो, मंत्री मंत्री जो भी हो, है कि नहीं, उनको पहले बताना चाहिए कि जनता ये राह पे ना जाए। आपको लगता है इसमें शासन प्रशासन से चूक हुई है, सरकार से भी चूक हुई है, और जनप्रतिनिधियों से भी चूक हुई है यहाँ की स्थानीय? हाँ, चूक तो हुई, इनको पहले बताना था, समझाना था एक बार। तो ऐसे लोगों के लिए आपका क्या सवाल? सवाल ये है कि पहले समझाना था, उसके बाद ही कुछ करना था। जैसे अचानक से वो लोग अंदर गए डबल मनी मामले में, उसके बाद तो कुछ हुआ ही नहीं, लोगों का पैसा डूबा। सरकार को तो कोई मतलब ही नहीं है, उनको तो अपनी राजनीतिक से मतलब है, बस हो गया। तो ये डबल मनी क्राइसिस पर लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि लांजी क्षेत्र में जो भी ये इलीगल कारोबार चल रहा था या फिर पोंजी स्कीम चल रही थी, इसमें लोगों का दोष तो है ही, साथ में सरकार और शासन प्रशासन के जो नौकरशाह है, जो लोग हैं प्रशासनिक अधिकारी, इनकी भी कहीं ना कहीं भूमिका गलत थी। इसी वजह से स्कीम यहाँ पे लंबे समय से फल फूल रही थी, जिसका नुकसान खासकर लांजी वासियों को और आसपास के क्षेत्रवासियों को भी उठाना पड़ा है। अब हम सीधे आ जाते हैं लोकतंत्र के विषयों पर। लोकतंत्र का मतलब ही है लोगों के अधिकार, गरिमा और विकास की बात करना लोकतंत्र में। क्या आपको लगता है अभी जो इलेक्शन हो रहे हैं, क्या ये जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो हो रही है, एक्सरसाइज जो हो रही है, जो आपके नेता आ रहे हैं, ये आपके विकास, गरिमा और अधिकारों की बात करते हैं? सर, हमारे विकास के लिए तो कुछ करते ही हैं, यानी कि चुनाव होता है उस टाइम पे तो सब बोलते ही कि ऐसा करेंगे। चुनाव के इतर आप मुझे बताइए, क्या ये जो पॉलिटिशियन है, ये आपके अधिकार, गरिमा और विकास की बात करते हैं या नहीं करते? क्या केवल गुमराह करते हैं? गुमराह करते हैं सर, क्योंकि हाँ, क्योंकि अभी देखिए चुनाव चालू है तो बड़ी बड़ी बातें करेंगे, एक खोलेंगे वो करेंगे, सब बोलते हैं, फिर जब चुनाव जीत जाते हैं उसके बाद तो सब भूल जाते हैं। हम जैसे पहले भी बोले थे कि युवाओं को अपना प्रतिनिधि भी सोच समझ कर चुनना चाहिए, क्योंकि उनको 5 साल तक उसी को झेलना पड़ेगा। अगर आप अच्छा प्रतिनिधि चुनते हैं तो आगे चल के आप लोगों को ही सुविधा होगी। और आजकल के ज़माने में जैसे आप पुरानी बात करें तो पुराने समय में जो आपके पेरेंट्स होते हैं तो अधिकांश पैसे के दम पर या उनको नशीली चीज़ों के दम पर ख़रीदा जाता है। तो आपको इसका ध्यान रखना है कि अगर आप आज उस चीज़ पर बिक जाओगे तो आपके बच्चों का भविष्य ठीक से नहीं रहेगा। आज के जो युवाओं की सोच है वो यही है कि हमारा फ्यूचर हमेशा आगे चल के ब्राइट होना चाहिए, क्योंकि आजकल का एक एक टाइम हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लोकतंत्र में ये माना जाता है वन मैन वन वोट वन वैल्यू, एक व्यक्ति की एक कीमत एक वोट और उसकी सही वैल्यू, ये महत्वपूर्ण माना जाता है। कितना आप समझे हैं लोकतंत्र में इसका महत्व को, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप बाकी जो देख रहे युवाओं को? इतने तो मैं अभी इतना अनुभवी नहीं हूँ, पर कुछ बताना चाहता हूँ कि हमें पूछना चाहिए जो हमसे वोट मांगने आते हैं कि आप हमारे लिए क्या करोगे 5 साल में, और उसका वीडियो और या तो फिर ऐसा कुछ ऐसा करके रखो, फिर 5 साल बाद तो सोशल 5 साल के अंदर सोशल मीडिया तो है आपके लिए। सत्ता से सवाल करना चाहिए, प्रतिनिधियों से सवाल करना चाहिए। हाँ, तो दबके थोड़ी आपका क्या सवाल है, चुनाव भी है। अपना तो सब ठीक है, बस अपने को स्किल के ऊपर चाहिए, क्योंकि बच्चों को ना खेल कूद के लिए सब सिखाना चाहिए। ऐसा नहीं कि पढ़ाई से सब कुछ होगा, खेल में भी करियर है, करियर हर चीज़ में है, बस ध्यान दिलाना चाहिए बस। कॉलेज के युवाओं में कई तरह के सवाल है, और इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने का प्रयास हमने आज लांजी के इस शासकीय महाविद्यालय से किया। हालांकि अधिकांश युवाओं ने ये सवाल उठाया है अपने प्रतिनिधियों से और सत्ता से भी सवाल किए हैं कि उनके स्किल डेवलपमेंट को लेकर, एम्प्लॉयमेंट को लेकर, एजुकेशन को लेकर और एंडोर्समेंट को लेकर सरकार एक गंभीर चिंतन करे, जिससे कि युवाओं का भविष्य उज्ज्वल हो और जो भारत का यंग एज पॉपुलेशन है वो आगे चलकर राष्ट्र निर्माण में और राज्य के निर्माण में अपनी भूमिका अदा करे। बीजीटी मीडिया के लिए लांजी से यमलेश बंजारी।